भी असल को पूरी तरह से पाकिस्तान वालों ने ही खत्म कर दिया है। ये बात अगर मैं बोलूं ना तो ठीक होगी, लेकिन कुछ घंटे कुछ जो है वो छनकने पाकिस्तानी फैंस या कुछ घंटे ये सोनू पीली चप्पल टाइप के बंदे ये भाग गया। पीएसएल में एक नया ड्रामा जो है लग चुका है। कल कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मैच जो है रात को 7 बजे शुरू होना था और मैच से एक घंटा पहले ही खबर आती है भाई कि कराची किंग्स के 20 में से 13 खिलाड़ी बीमार हो चुके हैं। बस यही दिन देखने को रह गया था कि कैरन पोलार्ड ने एक इंडियन वेडिंग के लिए पीएसएल 9 को छोड़ दिया और दुबई चले गए हैं। भारत इस वक्त जो है पाकिस्तान का जो आपको पता है कि न्यूजीलैंड ने टूर करना है और ये टूर जो है हमेशा जो है वो अप्रैल के महीने में जो है रखा जाता है और अक्सर जो है वो आईपीएल जो है इसके किनारे में आ जाता है। और आईपीएल आप बड़े वेन्यूज में जाते हैं, लाहौर कराची आवाम नहीं आती, कराची में टेस्ट मैच में आप देखिए आवाम नहीं आती, तो शायद आपको दूसरे वेन्यूज देखना पड़ेंगे। बकवास फैलेंगे कि भाई जी वो इंडिया ने जी पीएसएल को खराब कर दिया जी, वो जी इंडिया की जी इंडिया ने जी पीएसएल को खराब किया। बेटा बात असल में पता क्या है, डब्ल्यूपीएल वुमेन्स प्रीमियर लीग ने पूरी तरह से पीएसएल को एक्सपोज कर दिया। उसकी वजह पता क्या, उसकी वजह ये है फूड पॉइजनिंग का शिकार हो चुके हैं, खिलाड़ियों के पेट खराब हो चुके हैं भाई। यकीन माने आपके एक घंटा पहले अगर 13 खिलाड़ियों के पेट खराब हो जाते हैं भाई, किसी को ड्रिप लगी हुई है, कोई हॉस्पिटल में मौजूद है और आ भी जाता है। आईपीएल के आने की वजह से कुछ खिलाड़ी जो है उनकी सिलेक्शन हो जाती है वर्ल्ड कप में, आईपीएल उनको फायदा दे जाता है, उनकी सिलेक्शन वर्ल्ड कप के अंदर करवा जाता है। कैसे वो आपको बताएंगे और बात करेंगे कि बड़े कुछ खिलाड़ी हैं दाऊद साहब, उन वो बीसीसीआई के नेक्स्ट प्लान में नहीं आ रहे हैं रिटायरमेंट की तरफ। द ग्रेटेस्ट वेडिंग ऑफ दिस ईयर, सबसे अमीर शादी एशिया की जो होने जा रही है, रिचेस्ट पर्सन की, एशिया के रिचेस्ट पर्सन की, आप सब जानते हैं मैं किनका नाम ले रहा हूँ, अंबानी सर के बेटे की शादी है। तो उनकी इस्लामाबाद एक ऐसा वेन्यू है कि आपने ग्राउंड को अपलिफ्ट करनी है सिर्फ, बाकी सारी चीजें तैयार है, कनेक्टिविटी, होटल और उसको सिक्योर करना, सब चीजें तैयार है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों WPL के आगे PSL फीका पड़ गया। जी हाँ दोस्तों, WPL इस समय भारत में हो रहा है जहाँ पर स्टेडियम पूरा खचा खच भर रहा है, वहाँ पर लड़कियों का कमाल कर रही है, और वहीं PSL जो पाकिस्तान प्रीमियर लीग है जो वहाँ पर हो रहा है, स्टेडियम खाली रह रहा है, एक दो दर्शक आ रहे हैं, कहीं कहीं तो एकदम नहीं आ रहे, पूरा खाली पड़ा हुआ है, और उस पर भी वहाँ की कोई व्यवस्था भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के 13 खिलाड़ी जो एक टीम के अकेले थे, किसी तरह वो टीम मैच उस दिन था खेली, लेकिन उन सबको फूड पॉइजन हो गया था, जो कुछ हॉस्पिटल में थे, कुछ उस तरह मर रहे थे कि कैसे ठीक हो। पाकिस्तान में ऐसी बदहाली हो गई है कि उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। और वहीं भारत में आईपीएल जब होता है तो आप लोग तो जानते ही हैं कितने दर्शक रहते हैं, कितना क्रेज रहता है, और पाकिस्तान में पीसीबी परेशान है इसी बात को लेकर। एक टाइम पे WPL भी हो रहा है, एक टाइम पे PSL भी हो रहा है, और एक ही टाइम पे बांग्लादेश की लीग भी हो रही है, और सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट शो किया जा रहा है वो WPL में किया जा रहा है, उससे बाद जो है वो बांग्लादेश की लीग में शुरू किया जा रहा है, और उसके बाद बाची PSL जाती है तो फिर ऑब्वियसली तीसरे नंबर पे PSL आएगी, जो तीसरे नंबर पे आएगा वो तो हार जाएगा, उसका जो है वो बाजा बच जाएगा, उसकी तो खुल के हाथ में आ जाएगी, ये वाला काम हो जाएगा ना। अब बात ये हुई है कि भाई WPL ने वुमेन्स प्रीमियर लीग ने एक्सपोज कर दिया PSL को बुरी तरह से। PSL में कराची की टीम के 13 प्लेयरों के साथ फूड पॉइजनिंग हुई है भाई, खाना गंदा मिल रहा है उधर, ना भाई क्राउड है, ना स्टेडियम अच्छे हैं, ना ब्रॉडकास्टिंग है, ना स्पॉन्सरशिप है, ना खाना अच्छा है क्या, अच्छा घंटे के किंग। और उसके बाद उस टीम के लिए अपने प्लेइंग 11 अनाउंस करना कितना मुश्किल होगा। कल कराची किंग्स ने मैच तो खेल लिया, मैच खेला, 13 खिलाड़ी जो बीमार थे उसके बावजूद कुछ पकड़ दकड़ करके जो है वो खिलाड़ियों को उन्होंने जो है वो अपनी प्लेइंग 11 बनाई, वो अलग बात है कि रात को मैच कराची हार गया और हारना ही था जैसी कराची की हालत थी, ठीक है, लेकिन ये हुआ क्या। आप देखें कि इतनी बड़ी लीग है और चले मान लेते हैं कि एक खिलाड़ी का पेट खराब होता है, दो का होता है, तीन का होता है, लेकिन 13 खिलाड़ी, 20 में से एक टीम के 13 खिलाड़ी फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाते हैं भाई, क्या खिलाया खिलाड़ियों को आपने। सबसे पहली बात कि खिलाड़ी बाहर जाके भी खाना खा रहे हैं भाई, इन पाकिस्तान टूर रखवाता है न्यूजीलैंड का, न्यूजीलैंड आता है पाकिस्तान खेलने के लिए, लेकिन इनके जितने मेन खिलाड़ी हैं, 8 से 10 मेन खिलाड़ी हैं, वो सारे आईपीएल में बिजी हो जाते हैं, ना फरुखसन आते हैं,
ना इनके जो है केन विलियमसन आते हैं, ना इनके ट्रेंट बोल्ट आते हैं, ना इनके फ्लिप्स आते हैं, ना इनके मिचेल आते हैं, काफी सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, ना इनके वो रविंद्रा आते हैं, नहीं वो आए थे, वो स्टार नहीं थे, लेकिन इस बार नहीं आएंगे, अब वो बन चुके हैं। अब उन्होंने इंडिया में जितना फैंटा लगाया था ना, अभी सोच है, तो इस तरह करके ये सारे खिलाड़ी जो है वो आईपीएल के अंदर चले जाते हैं। और पाकिस्तान में अक्सर ये होता है कि सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है इसमें एक तो पीएसएल से टैलेंट आ रहा होता है उसको लेते हैं, लेकिन उसको चांस नहीं ज्यादा देते, ज्यादातर जो सारे पुराने प्लेयर्स हैं वो खेलते हैं और सब न्यूजीलैंड की छोटी टीम को तोड़ते हैं, परफॉर्म करते हैं और वर्ल्ड कप के लिए अपनी जगह पक्की करते हैं। क्या कहेंगे शादी के लिए? पूरी दुनिया से बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं जिनके अंदर कैरन पोलार्ड का नाम भी शामिल है। तो कैरन पोलार्ड जा चुके हुए हैं, पीएसएल 9 को छोड़ के जा चुके हैं, पूरी की पूरी कहानी की है। यही नहीं, और भी काफी सारी बातें, पीएसएल 9 चल रही है और कराची किंग्स का इस वक्त बुरा हाल हुआ है, कोई वो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर नहीं पहुंचे हुए प्लेऑफ के लिए, उनके लिए हर मैच जीतना जरूरी है। इसी दौरान कैरन पोलार्ड ने कराची किंग्स से रिक्वेस्ट की, 4 दिन की छुट्टियों के ऊपर वो रवाना हो चुके हैं दुबई से वो जा चुके हुए हैं भारत की तरफ। अब मैं आपको बताता जाऊं, सैम करन, टिम डेविड हो गए, इसी के साथ साथ ट्रेंट बोल्ट हो गए, जितने भी मुंबई इंडियंस के फ्रेंचाइज के फॉरेन प्लेयर्स जो पार्ट्स है ना, वो सारे के सारे और ग्लोबली, मतलब के जो मुंबई इंडियंस न्यूयॉर्क में होती है लीग, उसकी टीम का हिस्सा होते हैं, जैसे कि निकोलस पूरन, राशिद खान वगैरह, साउथ अफ्रीका के अंदर जो मुंबई इंडियंस की टीम है उसका जो पार्ट होते हैं, यूएई के अंदर जो मुंबई इंडियंस की टीम है उसका जो पार्ट होते हैं, सारे के सारे जितने भी फॉरेन प्लेयर्स है ना, वो सबके सब इन्वाइटेड थे और सबके सब सब कुछ छोड़ के जा चुके हुए इंडिया। यही हारेगी पीएसएल के मैचों में। आज भी जो मैच हुआ है कराची, आप खुद कराची में, आपने क्रिकेट भी खेली है, क्या गलती क्या हो रही है कराची से? कराची ऊपर से एक तो शुरू में इनसे रन्स नहीं हो रहे, आज थोड़े से रन्स हुए, फिर मिडिल में रन्स नहीं हुए। पहले मैचेस में आप देखें तो पहले 10 ओवर में ही इतना पीछे चले जाते हैं कि एंड में जो पोलार्ड बेचारा अकेला ही रन्स बना के दे रहा था। आज भी ऐसे ही हुआ कि आज हालांकि पावर प्ले ठीक किया, लेकिन जब फिर बीच में स्पिनर्स आए तो एकदम वो सारा कुछ जो पहले 6 ओवर में आपने किया था वो सारा कुछ ही ज़ाया हो गया। अगर अनवरेली आखिरी ओवर 20 रन ना करें तो आपका टोटल ही नहीं बनता। पिछले मैच में भी आप देखें आखिरी ओवर में 20 रन हुए, जब आखिरी ओवर में 20 रन होते हैं तो स्कोर लगा होना चाहिए 190-200 तक, अगर आखिरी ओवर में 20 रन हो रहे हैं और 165 हो रहे हैं तो गलती आपके सामने। अच्छा, दूसरा ये हम देख रहे हैं कि जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं वही पिचे हैं, वही हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, और हमारे खिलाड़ी जो है वो स्ट्रगल का शिकार हो रहे हैं। दूसरा ये कि हमने इस पूरे पीएसएल में देखा है कि फील्डिंग बड़ी मायूसकुन है, आपस में टकरा जाते हैं, मतलब कोई है ही नहीं कि सिग्नल के माई कॉल ये वो इस किस्म का। हाँ, इस दफा वैसे मैंने भी देखा मुल्तान में, हमने देखा बहुत कैचेस छोड़े, जो हवा में जा रहा है कैच वो छूट रहा है, ये पहले तो ऐसे नहीं हुआ था, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं आते हैं। आप इस तरह फेल रहे होते हो कि पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल, पीएसएल इज फलाना और पीएसएल इज धमकाना, छनकना है पीएसएल। मेरी बात सुनो, कराची किंग के 13 प्लेयरों को, 18 में से 13 प्लेयरों को फूड पॉइजनिंग हुआ है भाई, उसमें से फॉरेन प्लेयर भी थे, डैनियल सैम, ऑस्ट्रेलिया का डैनियल सैम, साउथ अफ्रीका का डिप्लॉय, भाई इन सबको फूड पॉइजनिंग हुई है, गंदा खाना मिल रहा है, गंदा पानी मिल रहा है। अब मुझे बताओ, देखो अभी तो बारिश हो रही है बहुत शदीद किस्म की रावलपिंडी इस्लामाबाद में, तूफानी बारिश है। कल पीएसएल के 2 मैचेस हमारे शहर पिंडी में है, यहाँ से तकरीबन हमारे स्टूडियो से 15 मिनट का भी रास्ता नहीं है, अगर आप किसी कन्वेंस में जाएं 8 किलोमीटर का भी डिस्टेंस नहीं है यहाँ से, 7 किलोमीटर की दूरी पे, बल्कि 6 किलोमीटर की दूरी में पिंडी स्टेडियम है, तो 10-15 मिनट का टोटल यहाँ से रास्ता है और बारिश शदीद हो रही है इस टाइम, तो ग्राउंड पूरा झकाझक पानी से हुआ है और तेज बारिश अभी लगी हुई है, तेज बारिश है। और अपडेट ये कि कल भी बारिश होगी और कल पीएसएल के 2 मैचेस बारिश की नजर हो सकते हैं, और दोनों मैचेस कल नहीं होंगे, पिशावर लाहौर कोयटा इस्लामाबाद वगैरह खेल रहे हैं लेकिन कल कोई भी मैच नहीं होगा। अली साहब बुरी खबर आ रही है, दोनों टीम्स के खिलाड़ियों ने बाहर कहीं जाके मैच से पहले खाना भी खाया है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो 5-स्टार होटल में आप रह रहे हैं तो आपको बाहर खाना खाने की क्या जरूरत है, कुछ खिलाड़ी अपने जो उनके दोस्त यार हैं उनसे भी खाना बनवा के जो आप मंगवाते हैं भाई, जो फेमस खाना होता है अपनी टीम में अपने टीममेट्स के लिए, इसकी क्या जरूरत है। उसके बाद अगर देखा जाए तो जो हमारे गोरे हैं, गोरे जाहिर है जो बाहर से आए खिलाड़ी, शमसी हो गया या और हो गए पोलार्ड वगैरह हो गए, जो पोलार्ड तो वैसे गोरा नहीं है, और जो भी हो गए तो वो सब मिर्ची खाने के इतने आदि नहीं है, और यहाँ पर तो आपने उनको मिर्चियाँ खिलानी है भाई, क्योंकि हम तो खाते हैं पाकिस्तान में तो खाई जाती हैं, लेकिन हर बंदा जो एक हद की जो है मिर्ची खा सकता है, तो पता नहीं उनके साथ क्या हुआ है, लेकिन 13 खिलाड़ी बीमार होना ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। इस चीज की दोस्तों हमने देखा पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है कि भारत में WPL जो हो रहा है उसके आगे हमारा PSL भी फीका पड़ गया है, क्योंकि हमारे वहाँ कोई स्टेडियम में नहीं आ रहा है, न ही कोई हमारा प्रायोजक है न कुछ है, और भारत में एक एक टीम का कितना कितना
रुपए मिलते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।